ये जो मिनी इन्वर्टर है ये बहुत ही खास है और इसकी वर्किंग बिल्कुल अलग है हमारे नॉर्मल इन्वर्टर की तुलना में। यहाँ पे ये जो मिनी इन्वर्टर है ये यहाँ पर सॉकेट दिया गया है, इसमें 220 वोल्ट आउटपुट करता है और इस मिनी इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो 50 हर्ट्स है। इस वीडियो में मैं आपको इसका टीयर डाउन और इसका आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ओसिलोस्कोप में टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। ब्लैक एंड डेकर के इस मिनी इन्वर्टर का सबसे पहले हम टीयर डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो स्क्रू लगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन्हें पहले हम खोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं इन्हें खोल देता हूँ, जिसके बाद हम इसको ओपन करके इसके अंदर का जो सर्किट है उसे देखेंगे। यहाँ पर भी दो स्क्रू लगे हैं, इन्हें भी हमें खोलना होगा। तो चलिए हम इन्हें जल्दी से खोल देते हैं, जिसके बाद इसके अंदर का जो सर्किट है उसे हमें निकालना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से इसकी हाउसिंग जो है वो खुल गई है। ऊपर साइड का ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इसको मैं एक साइड में रख देता हूँ। अभी यहाँ पर इसे खोलने के लिए ये एक वायर जो है इसके आउटपुट के अर्थिंग पॉइंट पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमें ये जो स्क्रू है इससे भी खोलना होगा। तो मैं इसे भी खोल देता हूँ, जिसके बाद हम आसानी से इसका जो सर्किट है उसे हाउजिंग से अलग कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ये जो स्क्रू है इसे खोल दिया है और अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका जो सर्किट है वो निकल आया है और ये इसका हाउजिंग है, सेंटर पार्ट है हाउजिंग का, और ये प्लास्टिक का है। ये दिखने में ऐसा लगता है एल्यूमिनियम है लेकिन प्लास्टिक है। तो यहाँ पर ये पूरी जो हाउजिंग है ये प्लास्टिक की ही है और यहाँ पर हमने जो सर्किट है इसे खोल लिया है। यहाँ पर इसका सर्किट जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक तो इन्वर्टर आउटपुट के लिए, दूसरा यूएसबी आउटपुट के लिए। यहाँ पर एक एलईडी इंडिकेटर जो है ये लगा हुआ है और साथ ही यहाँ पर अंदर की हीट को बाहर फेंकने के लिए एक कूलिंग फैन लगाया गया है। यहाँ पर ये जो कूलिंग फैन है को मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ब्लैक एंड डेकर जो है वो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, और ब्लैक एंड डेकर एक काफी बेहतरीन ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। यहाँ पर इसका सर्किट दो भागों में बटा था, जिसमें एक ये भाग है, ये एक पूरा सर्किट है जो कि मेन सर्किट के ऊपर ही इनबिल्ट है और इसके द्वारा आप अपने मोबाइल की चार्जिंग जो है वो कर सकते हैं। ये सर्किट एक तरह का बक कन्वर्टर है जो कि 5 वोल्ट और 500 mA करंट आउटपुट करता है। तो हालांकि करंट आउटपुट काफी कम है, यहाँ पर 12 वोल्ट से ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मोबाइल की चार्जिंग के लिए एक यूएसबी पोर्ट द्वारा आउटपुट देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी इस तरह से सबसे पहले फ्यूज में जाती है और फ्यूज द्वारा ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट को दिया जाता है। इसके बाद सप्लाई हमारी पीटीसी में जाती है, ये पीटीसी भी ओवर करंट प्रोटेक्शन देता है और यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट का उपयोग करके हम ओवर करंट का प्रोटेक्शन जो है इस सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। और इस सर्किट में 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो एक तो इन्वर्टर सर्किट में जाती है और दूसरा इसके जो मोबाइल चार्जिंग के लिए इसमें एक स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा हुआ है उसमें जाती है। स्टेप डाउन कन्वर्टर का सर्किट जो है उसमें एक आईसी लगी है जो कि बक कन्वर्टर आईसी है, और इस आईसी द्वारा 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर करंट भी लिमिट किया जाता है, 500 mA करंट जो है इसके यूएसबी पोर्ट द्वारा निकाला जाता है। ये पूरा सर्किट ही सेपरेट है जो कि मेन सर्किट बोर्ड के ऊपर ही इनबिल्ट है। अच्छा, इस सर्किट बोर्ड में जो कि मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर हमारे मिनी इन्वर्टर में दिया गया है, इसमें एक आप इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर लगा हुआ भी देखेंगे। तो ये पूरा सेपरेट सर्किट है और 500 mA और 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो हमने यूएसबी सर्किट जो है उसे समझ लिया है, अब इन्वर्टर सर्किट को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये दो एन चैनल मॉस्फेट आपको दिखाई देंगे, CS60N06 ये एन चैनल मॉस्फेट है जो कि 60 वोल्ट और 80 एम्पियर वाले मॉस्फेट हैं। ये इस इन्वर्टर सर्किट में लगे हुए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में स्विचिंग कराने के लिए हैं। 12 वोल्ट की स्विचिंग होती है और हाई फ्रीक्वेंसी का 220 वोल्ट आउटपुट होता है। अच्छा, जो हाई फ्रीक्वेंसी का 220 वोल्ट आउटपुट होता है उसमें फिर से स्विचिंग की जाती है। यहाँ पर ये चार एन चैनल मॉस्फेट JCS7N65 आप देख पाएंगे, ये 650 वोल्ट और 7 एम्पियर के मॉस्फेट हैं जो कि एन चैनल हैं,
और इन मॉस्फेट के द्वारा एक एच ब्रिज बनाया गया है, जिसके बाद उस हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग को 50 हर्ट्ज की स्विचिंग में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर स्क्वायर वेव 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट इस मिनी इन्वर्टर द्वारा आउटपुट होता है। तो यहाँ पर इस वजह से इस मिनी इन्वर्टर द्वारा जो आउटपुट होगा उसमें आप इंडक्टिव लोड के अलावा रेजिस्टिव लोड भी ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस इन्वर्टर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों साइड में ही एन चैनल मॉस्फेट लगे हैं और उनको ड्राइव करने के लिए अलग अलग आईसीज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर प्राइमरी साइड के मॉस्फेट को अलग आईसी ड्राइव करती है और सेकेंडरी साइड के जो मॉस्फेट हैं उनको अलग आईसी ड्राइव करती है। मैं यहाँ पर इस सर्किट के बैक साइड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप दो ड्राइवर आईसी देख पाएंगे। ये आईसी प्राइमरी साइड के जो दो मॉस्फेट हैं उन्हें स्विचिंग कराती है, जबकि ये सेकेंडरी साइड के चार जो मॉस्फेट एच ब्रिज बनाया गया उनको स्विचिंग कराती है। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट भी लगे हैं। और यहाँ पर मैं अब आईसी पे क्या मार्किंग है वो दिखा देता हूँ। प्राइमरी साइड की जो आईसी है उस पे मार्किंग हम देखेंगे कि TL494T लिखा है। यहाँ पर ये एक PWM कंट्रोलर जो DC-DC कन्वर्टर आईसी है और साथ ही ये सेकेंडरी साइड के एच ब्रिज को ड्राइव करने के लिए AZ7500BM-E1 आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आईसी है इस आईसी द्वारा सेकेंडरी साइड एच ब्रिज को ड्राइव किया जाता है। तो इस तरह से ये जो सर्किट है एक बेहतरीन मिनी इन्वर्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर आपने इस मिनी इन्वर्टर के सर्किट के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। चलिए अब हम इस मिनी इन्वर्टर द्वारा जो आउटपुट निकाला जाता है उसका वेव फॉर्म ऑसिलोस्कोप में टेस्ट करते हैं, जिसके बाद हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये 50 हर्ट्स ही आउटपुट करता है। क्योंकि 50 हर्ट्स अगर आउटपुट करेगा तभी इसमें रेजिस्टिव लोड जो है उसे ड्राइव किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑसिलोस्कोप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो सर्किट है ये आउटपुट में स्क्वायर वेव आउटपुट देता है, साथ ही 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट करता है। यहाँ पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो आउटपुट होती है, इसलिए इससे हमारे लैपटॉप या मोबाइल के चार्जर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ख़राब नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में आपने ब्लैक एंड डेकर के मिनी इन्वर्टर का टीयर डाउन, साथ ही उसके द्वारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देखा। और यहाँ पर इस वीडियो में आप ये भी जान पाए कि ये हमारे दूसरे इन्वर्टर की तुलना में क्यों भिन्न है। यहाँ पर ये मिनी इन्वर्टर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका परचेज लिंक दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।